ना वीडियो लाड ले, हम यूपी वाले हैं, रैपट मारने के बाद पूछे हैं क्या दिक्कत आ रही है। पैसे की कोई कमी नहीं, मैं यूपी का नंबर दा। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय गेमिंग चैनल अलोन बादशाह 2.0। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी गेमिंग भी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो सिंपली ये है कि एक नंबर एक पर है हमारा गोल्ड रॉयल और सेकंड नंबर पर हमारा जो डायमंड रॉयल न्यू आएगा उसकी अपडेट और कुछ अदर अपडेट है जो कि आपको वीडियो के अंदर पता चलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री फायर गेम से रिलेटेड और भी न्यूज़ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि उन्हें भी फ्री फायर गेम से रिलेटेड न्यूज़ पता चल सके। तो फ्रेंड्स, जो मैं फर्स्ट न्यूज आपको बताने वाला हूँ वो है हमारा जो न्यू पेट फाल्कन के ऊपर, जो भी इसका नाम है, मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमारा जो न्यू पेट है उसकी एबिलिटी, जैसे कि हम लोगों को पता है कि वो हमें जो है हवा से, मतलब ऊपर अगर हम पैराशूट या ग्लाइडर से होंगे तो वो हमें नीचे जल्दी उतारेगा, तो उसी के ऊपर एक एबिलिटी टेस्ट किया गया है, तो उसकी वीडियो मैं आपके सामने लाया हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर राइट में है मतलब विदाउट फाल्कन और लेफ्ट में है फाल्कन के साथ, तो दोनों मतलब हमारे जो कैरेक्टर हैं वो नीचे उतर रहे हैं। और देखिए, पहले पैराशूट उसका खुला जिसके पास ये फाल्कन पेट है। और इसकी एक और बात, यहाँ पर इसकी जो एबिलिटी है वो सिर्फ अभी दो लेवल की है, अभी ये मैक्सिमम नहीं हुई। और ये देखिए, ये पहले उतर चुका है और इधर राइट वाला अभी भी उतर रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही दिखाया जा रहा है कि हाँ, हमारे पेट की जो है एबिलिटी काफ़ी मतलब अभी तो अच्छी दिखाई जा रही है। और इसका यूज बेसिकली मुझे तो कुछ खास लगा नहीं है। हाँ, अगर आपको मतलब जल्दी उतरना है, जल्दी उतर के लूट ले सकते हैं तो फिर ये फ़ायदेमंद है, बाकी इसका कुछ ज़्यादा यूज तो नहीं है। तो बस ये एक छोटा सा एबिलिटी कंपैरिजन था। और मैक्सिमम लेवल का मैं जल्द ही देखो, अगर कोई वीडियो एक मिलती है तो मैं जल्दी एक और वीडियो लाऊंगा जो कि मैक्सिमम लेवल की होगी। तो फ्रेंड्स, अगली न्यूज आ रही है हमारे न्यू वेपन रॉयल को लेकर। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हमारे गेम पर जो वेपन रॉयल है वो एंडिंग की तरफ आ चुका है, तो हमारा नेक्स्ट वेपन रॉयल होगा AWM के ऊपर। तो उसका ट्रेलर तो मुझे मिला है, बट वो कुछ साफ नहीं है, मतलब अच्छा सा नहीं है, तो मैं उसे तो नहीं, लेकिन हाँ एक पिक दिखा रहा हूँ आपको। इसमें AWM की स्किन देख लीजिए, रेड कलर की स्किन होगी, फायर रेट डबल प्लस है, एमओ प्लस है और रिलोड स्पीड सिंगल माइनस है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो सही स्किन है और AWM के लिए तो वैसे भी डैमेज काफ़ी अच्छा होता है, तो कुछ ज़्यादा कहना सही नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है हमारे वीडियो की सबसे बड़ी न्यूज़ की तरफ। मतलब बड़ी न्यूज़ ये है कि हमारा जो न्यू गोल्ड रॉयल है वो अब उसका फ़ोटो देख चुका है। और एक रियल बात बताऊँ कि अभी तक मुझे भी और मतलब किसी को यही नहीं समझ आया, मतलब मुझे अपनी पर्सनली बता रहा हूँ कि मुझे अभी तक यही नहीं लगा कि गोल्ड रॉयल हमारा अपडेट होता है OV22 को। मतलब कोई अपडेट नहीं मिली, कुछ भी नहीं पता चला, तो मैं भी भूल गया था कि हमारा गोल्ड रॉयल भी चेंज होगा। तो अब एक फ़ोटो मिल चुका है, एक लड़के का है फ़ोटो। इसमें देखिए, यहाँ पर इम्प्रेल कॉर्प्स लिखा है, अजीब सा जा रहा है, शायद ये मतलब पुलिस के ऊपर है कुछ। जैसा कि हमारा पिछला भी डायमंड रॉयल गया लड़के का, उसी की टाइप का एक ड्रेस है। और इसकी एक ड्रेस और दिखी है, लड़की की ड्रेस भी है इसमें, लेकिन वो फ़ोटो भी कुछ साफ़ नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। और वो लड़की की ड्रेस हमारे शायद FF टोकन में ऐड हो जाए, अगर FF टोकन में नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो इवेंट पर ज़रूर आएगी। और बस यही था लड़के का बंडल, अभी इसकी कोई वीडियो तो नहीं मिली है, लेकिन हाँ एक सिर्फ फ़ोटो मिला है, वो भी अभी कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ देखने में तो अभी सही लग रहा है। जैसा कि हमारा डायमंड रॉयल गया है उसके हिसाब से बता सकते हैं कि हाँ गोल्ड रॉयल। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज आ रही है हमारे न्यू डायमंड रॉयल को। जैसा कि आपने देखा होगा अभी डायमंड रॉयल भी मतलब बिल्कुल ख़त्म होने की तरफ है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट डायमंड रॉयल होगा वो एक लड़की की कॉस्ट्यूम होगी। ये रही, तो बेसिकली ये कॉस्ट्यूम मतलब क्लियर ही मतलब फाइनल आएगी, यही आएगी, ये मतलब कन्फर्म है। लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी है, अब पता नहीं क्या इसमें घराना क्या सोच के बनाता है। मतलब अभी तक जितने भी आपने एंजल या मतलब वो कहते हैं नहीं परी और चुड़ैल, उनके पंख पीछे होते हैं, तो यार मतलब पीछे होते ही हैं, अब इसलिए पीछे होते हैं, लेकिन यार इसके पंख गले में दे दिए, मतलब अजीब टाइप का लुक है। हर जैसा तो भी अभी है, तक जितनी मैंने अपडेट्स दी, अगर वो आपको पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अदर अपडेट्स भी इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी रेगुलर। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो बस चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।